नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का फेज 4 चल रहा है और फेज 4 के चतुर्थ सप्ताह के अंतर्गत आपको बच्चों के WhatsApp ग्रुप में क्या क्या प्रेषित करना है, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि चतुर्थ सप्ताह जो 21/6/2021 से 27/6/2021 तक चलेगा, इसमें कक्षा 6 से 8 को शुक्रवार यानी कि 25/6/2021 को WhatsApp के माध्यम से क्या क्या सामग्री भेजनी है, क्या क्या गतिविधि भेजनी है और किन वीडियो के लिंक भेजने हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो WhatsApp ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या लिंक हमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को शुक्रवार अर्थात 25/6/2021 को प्रेषित करने हैं। सबसे पहले बच्चों के अभिभावकों से आपको संपर्क करना है, संपर्क करने के बाद विद्यालय के WhatsApp ग्रुप में उनको जोड़ने के लिए प्रेरित करना है। उसके साथ साथ उनके मोबाइल में प्रेरणा लक्ष्य ऐप को इंस्टॉल करना है और दीक्षा ऐप को भी उनके मोबाइल में इंस्टॉल करने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ बच्चों के अभिभावकों को आपको समझाना है कि प्रतिदिन 1 घंटा बच्चों के साथ फोन और किताब लेकर आपको बैठना है। उसके बाद WhatsApp ग्रुप पर भेजे गए कार्य को कराना है बच्चों को, और कार्य करते समय बच्चों का फोटो और वीडियो लेकर शिक्षकों के साथ WhatsApp ग्रुप पे शेयर करना है। ये सब आपको अभिभावकों को समझाना है। इसके साथ साथ प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर भाषा और गणित के प्रश्नों का अभ्यास करना है 20 मिनट तक, ये भी आपको अभिभावकों को समझाना है। और 30 मिनट बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार दूरदर्शन पर जो शैक्षणिक सामग्री प्रेषित की जाती है उसको बच्चों को दिखाना है। इसके साथ साथ शनिवार को क्विज होती है, उस क्विज में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रतिभाग कराने की कोशिश करनी है। इसके बाद बात करते हैं कक्षा 6 की। कक्षा 6 को कहानी आम और कोयल, इसका लिंक दिया हुआ है http://bit.ly/upstory12। ये लिंक आपको बच्चों के WhatsApp ग्रुप में प्रेषित करना है। अगर आपसे लिंक टाइप होने में आपको दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप इसको बच्चों के WhatsApp ग्रुप पे प्रेषित कर सकते हैं। इसके साथ साथ अक्षरबद्ध कविता http://bit.ly/upactivity18 ये भी आपको बच्चों के WhatsApp ग्रुप में प्रेषित करनी है। अब बात करते हैं कक्षा 7 की। कक्षा 7 में कहानी आम और कोयल, वही लिंक आपको बच्चों के WhatsApp ग्रुप में कक्षा 7 में भी प्रेषित करना है। ये लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली कॉपी करके इसको बच्चों के WhatsApp ग्रुप में भेज सकते हैं। और अक्षरबद्ध कविता http://bit.ly/upactivity18 ये भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कक्षा 8 को। कक्षा 8 को भी आपको कहानी आम और कोयल का लिंक बच्चों के WhatsApp ग्रुप में प्रेषित करना है। और दूसरा है आपका अक्षरबद्ध कविता http://bit.ly/upactivity18 ये लिंक भी आपको बच्चों के WhatsApp ग्रुप में प्रेषित करना है। अगर आपको लिंक को टाइप करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे, उन लिंक को आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद बच्चों के WhatsApp ग्रुप में एज इट इज पेस्ट कर देना है, तो बच्चों के वहां पर पहुंच जाएंगे, उनको समझा देना है। आप लिंक पे क्लिक कीजिए और लिंक पे क्लिक करके एक वीडियो मिलेगी, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।